तो फाइनली कोरोना महामारी के बीच सलमान भाई की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे रिलीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को जिस तरीके से दुबई में रिस्पॉन्स मिल रहा है, वाकई आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि सलमान भाई की इस मूवी को एक्चुअली में रिस्पॉन्स मिल कैसा रहा है। मैं हूँ रिकी ठाकुर और रिकी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फाइनली सलमान भाई की राधे मूवी आज रिलीज हो गई है, लेकिन इसका प्रीमियम पिछले कल ही दुबई में कर दिया गया, और दुबई में जिस तरीके से इस फिल्म को रिस्पॉन्स मिला है वो वाकई देखने लायक था। जिस तरीके से दुबई के क्रिटिक्स ने फिल्म के बारे में रिव्यूज दिए हैं वो वाकई ही शॉकिंग है। जी हाँ दोस्तों, सलमान भाई के फैंस को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, और इस फिल्म में स्पेशली रणवीर हुड्डा और सलमान खान के बीच में जो फाइटिंग सीन है लोगों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म के गाने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है फिल्म में रणवीर हुड्डा के करेक्टर को। वाकई ही उनके करेक्टर को बहुत ही ज्यादा दमदार दिखाया गया है इस फिल्म में। रणवीर हुड्डा के अलावा गौतम गुलाटी, जैकी श्रॉफ भी हैं जो कि विलन का करेक्टर निभा रहे हैं। इस फिल्म में एक नहीं तीन तीन विलन है, और ये ही फिल्म का प्लस पॉइंट है। अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ढीला नजर आ सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म जाते ही बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, और जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग सेकंड हाफ में चीजें बन सकती हैं उतनी बनाई भी हैं। वाकई ही फिल्म का सेकंड हाफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और फिल्म देखने के बाद पैसा वसूल होता हुआ नजर आ भी रहा है। जैकलीन वाले गाने ने वाकई ही थिएटर के पर्दों में आग लगा दी। प्रभु देवा का डायरेक्शन वाकई ही कमाल का नजर आ रहा है। वहीं एक्टिंग की बात की जाए तो इस फिल्म में एक्टिंग के लिए कम ही स्कोप था, क्योंकि इस फिल्म को ज्यादातर एक्शन मूवी के हिसाब से बनाया गया। तो अभी G5 डाउनलोड कर डालिए और जी सिनेप्लेक्स पर जाइए और इस मूवी को एंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।